राधे, आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और एकदम बढ़िया होंगे। तो आज है दिन फ्राइडे, तो बस ये सिस्टी को छोड़ने गए, सिस्टी स्कूल चली गई, तो ये सिस्टी को छोड़ने गए। तो मैंने ना कुछ सामान ख़त्म हो गया, तो मैंने कहा वहीं से लेते आना, और मुझे सामान की अभी ज़रूरत थी। वैसे मैं जब सिस्टी को लेने जाती हूँ कुछ सामान वगैरह ख़त्म हो जाता है तो मैं फिर वहीं से ले आती हूँ, लेकिन मुझे अभी चाहिए था सामान। तो सामान में क्या, छोले पीयू ना, काफ़ी 2-3 दिन से लगी है मम्मा, छोले बना दो, छोले चावल खाना है उसको। है भी अगर मतलब जैसे हफ्ता हो जाए या 2 हफ्ते हो जाए तो उसको छोले चावल की याद आने लगती है। तो छोले कम थे, मतलब थे तो लेकिन कम थे छोले। मैंने कहा बनाऊंगी तो सभी के लिए बनाऊंगी, ये इतने पड़े थे, मैंने कहा इतने क्या भिगाऊंगी, अभी भिगो दूंगी गर्म पानी में। तो छोले और सामान, चाय, पानी तो मैंने पी लिया, चाय वगैरह नहीं पी अभी मैंने, तो बस मैं चाय पीऊँगी। और ब्रेड का पैकेट भी मैंने मंगाया एक, क्योंकि मतलब पंगा है, आटा है नहीं, मतलब मक्का का आटा तो रखा है। और गेहूँ मैंने बुधवार को धोए थे, हाँ गेहूँ मैंने बुधवार को धोए थे, तो 2 दिन तो सूखने में लग गए। कल भी मैंने पूरे दिन ऊपर बैठ के गेहूँ सुखाए कबूतरों के वजह से, डर से कि पता चले मैं इतनी मेहनत से मैंने गेहूँ धोए और मैं छोड़ दूँ जैसे, और कुछ जैसे नीचे आना होता है तो मैं पीहू को बिठा के आई थी कि तुम देखना, और उसके बाद सारे काम निपटा के फिर मैं ऊपर बैठी रही, और तब जाके कहीं गेहूँ सूख रहे। तो आज फिर दोबारा डालूंगी तो फाइनली आज सूख जाएंगे पूरे, तो शाम को पिसा लूँगी। तो दोपहर में छोले चावल वगैरह बन जाएंगे, और कुछ आटा पड़ा था, थोड़ा सा आटा अभी पड़ा है, देखेंगे अगर ये रोटी सब्जी खा के जाएंगे तो रोटी, नहीं तो ब्रेड सैंडविच बना लूँगी। सब्जी मैंने गाजर मटर आलू की बनाई है तो उसी की बना लूँगी सैंडविच। और तो सिस्टी तो सब्जी रोटी लेके गई, आटा पड़ा था तो इस वजह से ही मैंने मंगा लिया। मैंने कहा अब आटा क्या एक्स्ट्रा अलग से मंगाओ, चक्की का या पैकेट मंगाओ, अब शाम को तो पीस ही जाएगा, और दोपहर में छोले चावल बना लूँगी तो हो जाएगा। तो बस सामान मेरा कुछ थोड़ा सा ख़त्म हो गया था, तो मैंने कहा लाओ मंगा लेती हूँ। और चाय मैंने चढ़ा दी है यहाँ पे, चाय बन रही है। बस अब अभी गेहूँ वगैरह ऊपर फिर से दोबारा से डलवाना है, मतलब इनसे बोल दूँगी बाहर निकाल के ये रख देंगे, क्योंकि वो भारी रहता है ना, फिर वो भारी चीज़ मैं उठाती नहीं हूँ। जो मैं दिखाती हूँ सामान मैंने क्या क्या मंगाया, चाय भी पीते हैं, अभी चाय मैंने पी नहीं, गर्म हो रही है, चलिए दिखाती हूँ आपको। सामान में ये बिम ख़त्म हो गया था, ये देखो बिम, बिम ख़त्म हो गया था, और ये सर्दियों में तो इसकी ज़रूरत ही पड़ती, मैंने कहा था बड़ा वाला ले आना, छोटा ही लेके आइए। और ये हो गए छोले, और ये थोड़े से रखे थे, मैंने कहा इतने से क्या होगा, और ज़्यादा ही मंगा लेती हूँ, सभी लोग ही अब सिस्टी भी खाती हैं छोले, फिर बना ही लूँगी सबके लिए बनाऊँगी। ये टाइट का पैकेट है, ये चीज़ें तो मैं, ये तो किचन में ही रहता है ये दोनों। चाय गरम हो रही है तो कप लेती हूँ मैं, चाय पीते हैं, चाय थोड़ी सी चाय मैं सुबह लेती जरूर, दोपहर इसके बाद बस यही चाय लेती हूँ, इसके बाद मैं नहीं पीती हूँ चाय। एक ये सुबह की पीती हूँ, एक शाम को थोड़ी सी। और ये अभी चाय पियेंगे इसलिए ये थोड़ी सी ज्यादा बनाई है मैंने, ये 1-2 बार पीते हैं सुबह, एक बार तो उठते ही पीते हैं, फिर एक बार और पीते हैं अभी। चलिए चाय पीते हैं,
उसके बाद फिर काम पे लगूंगी, मतलब काम पे झाड़ू वगैरह करूंगी। और नहीं नहीं पहले तो छोले भिगोना है, तो यहाँ पे ये मैं ऑन कर देती हूँ गीजर, तो थोड़े छोले भिगो दूंगी। तो मैंने तो चाय पी ली है, तो ये आ गए हैं, ये मतलब सामान देके फिर कहीं चले गए थे, तो वहाँ से आए बोले चाय रखी हुई है, तो मैंने कहा हाँ रखी हुई है, क्योंकि मैं थोड़ी सी ज़्यादा ही बनाती, मैंने बताया था ना कि क्योंकि ये मतलब 10 जैसे सुबह 7 साढ़े मतलब 7:30-8 बजे पीते हैं चाय, उसके बाद फिर आधा घंटा बाद फिर मांगते हैं, तो फिर मैं ज़्यादा ही सी बना लेती हूँ, क्योंकि सर्दियों में इतनी जल्दी चाय ख़राब भी नहीं होती है। तो बस मैं इनको यहाँ पे चाय दे रही हूँ, और इनको देखो छींकें कैसी आने में लगी हुई हैं, क्योंकि सर्दी में इनको ये छींक वाली एलर्जी बहुत होती है, सुबह उठते ही मतलब इनको थोड़ा सा सर्द गर्म वाला हो जाता है। तो बस यहाँ पे मैंने चाय दे दी इनको, और धूप भी निकल आई है, तो पर्दे वगैरह मैंने हटा दिए हैं, और यहाँ पे बस मैं भिगो रही हूँ छोले। और मैं इनसे पूछ रही थी कि मतलब ऐसे पॉलीथिन में मतलब तौल के आधा किलो होंगे तो छोले लेके आए हैं ये, तो मैं इनसे कह रही थी कि पैकेट क्यों लेके नहीं आए हो, तो उसकी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, कर रहे हैं। तो मैंने खुद ही गैस कर लिया कि शायद उसकी दुकान पे मतलब जो पैकेट में बंद छोले आते हैं ना वो नहीं होंगे, तो खुले कभी कभी कोई दुकान वाले खुले भी छोले रखते हैं। ऐसे ही रख दो सूख जाए बस, तो बाद में बड़ी पता चले कबूतर आके। तो बस मैं आ गई नीचे, क्योंकि ये भी रेडी हो रहे हैं, नहा चुके हैं ये, ऊपर वो जल डालने गए थे सूर्य भगवान को, तो बस मैं भी फटाफट पहुंच गई थी ऊपर, क्योंकि अंदर गेहूं रखा था, तो मैंने कहा इनसे उठवा लेती हूँ, नहीं तो फिर ऐसे वो मुझसे उठाया नहीं जाता इतना भारी, और फिर भारी चीज़ उठा लो तो बस मेरा वही पेट की वो दिक्कत शुरू हो जाती है। तो बस यहाँ पे मैंने ब्रेड निकाल ली है, क्योंकि मैं बनाने जा रही हूँ इनके लिए मिक्स वेज सैंडविच, और बस सॉस वगैरह का यूज़ मैं नहीं करूँगी, क्योंकि ये सिंपल ही मतलब केवल सब्जी की बन खाएंगे, और इनको सॉस वगैरह कम ही पसंद है। तो बस यहाँ पे ये गाजर आलू मटर की सब्ज़ी रखी हुई है, और पत्ता गोभी की कुछ सब्ज़ी रखी हुई है, तो बस दोनों चीज़ों को मैं मिक्स करके, और पत्ता गोभी अभी मैंने ये सैंडविच बनाने के लिए थोड़ी सी ऐसी बस कढ़ाई में ऑयल डाल के थोड़ा सा इसको बफा लिया था, क्योंकि कच्ची कच्ची थोड़ा सा इनको कम अच्छी लगती है, तो इसलिए मैंने कहा ऐसे अच्छी लगेगी। आलू गाजर मटर तो मतलब सब्ज़ी बनी हुई है, और ये बंद गोभी थोड़ी ऐसे मैंने गैस पे इसको करके वो थोड़ा सा बफा सा दिया है, हल्का सा मसाला डाल दिया, तो इससे सैंडविच थोड़ी अच्छी लगेगी। तो फटाफट मैं बना रही हूँ इनके लिए सैंडविच मेकर में, और बड़ी जल्दी बन जाती है, और बड़ी अच्छी लगती है मुझे इसकी बनी हुई ब्रेड, काफ़ी सॉफ्ट सैंडविच बनती है। तो ये देखिए, बस सैंडविच वगैरह मैंने इनको बना के दे दिए, और इन्होंने नाश्ता कर लिया, तो बस यहाँ पे मैं ये नैपकिन से सैंडविच मेकर्स की थोड़ी सी सफाई कर देती हूँ, क्योंकि ये जैसे बटर वगैरह लगाओ तो थोड़ा सा गंदा सा हो ही जाता है, तो बस यहाँ पे मैं इससे साफ़ कर देती हूँ इसको नैपकिन से। और आटा मैंने इसीलिए नहीं मंगाया था, मैंने कहा सुबह का नाश्ता बस हो जाए, दोपहर में तो ये है कि मैं दाल चावल है इन वो सॉरी छोले मैंने भिगो रखे हैं, तो बस छोले चावल बना लूँगी, तो बस ये भी थोड़ा आसपास ही कहीं जा रहे हैं, तो शायद देखो दोपहर में आएंगे, नहीं तो बोल रहे हैं कि मैं बाहर खा लूँगा, तो बस। और मैंने सोचा फिर पैकेट मंगाती हूँ, तो फिर वो 5 किलो का पैकेट, और आज आटा पिसी जाएगा शाम को, तो पैकेट मंगाऊँगी तो वो फालतू में बर्बाद जाएगा, और 250-250 रुपये बर्बाद करो। तो इन्होंने पानी मांगा, तो मैं पानी देने आई, तो पानी मैंने दिया, तो इन्होंने मुझे थैंक यू बोला, तो मुझे एकदम से याद आ गई, मैंने दोपहर में कल फेसबुक पे एक वीडियो देखा था कि मतलब हस्बैंड और वाइफ का झगड़ा हो गया था, तो उसमें एक थैंक यू का ही मतलब थैंक यू शब्द से ही वो उनका झगड़ा मतलब सही मतलब झगड़ा अच्छे मतलब उसमें बदल गया था, सुलह में बदल गया था,
वो कैसे बदल गया था, मैं वही इनको सुना रही थी। मैंने कहा मैंने तो आपको वीडियो भेजी नहीं और तुमने मुझे थैंक यू कैसे बोला, तो वो फिर मैं इनको सुना रही थी। तो मैं आपको भी बताती हूँ कि दोनों मतलब एक हस्बैंड वाइफ थे, तो उन दोनों में झगड़ा हो जाता है। वो जो हस्बैंड थे वो अपनी वाइफ से मतलब प्रॉमिस करते होंगे कि मैं तुम्हें अगले मंथ मनाली घुमाने ले जाऊँगा, तो किसी कंपनी में कंपनी की मतलब कोई काम आ जाता है तो फिर वो मतलब उनको लेके नहीं जाते हैं, तो वो इस वजह से उनकी पत्नी नाराज़ हो जाती हैं। तो नाराज तो फिर वो कहीं शादी में जा रहे होते हैं, तो वो बस नाराज़गी वो होती है ना कि फिर वो हर बात पे निकलती है मतलब वाइफ की। तो वो चिड़चिड़ के बोल रही थी कि मैं तो ऐसे ही भोंकती रहती हूँ ऐसा वैसा। तो फिर वो टैक्सी बुलाते हैं, वो शादी में जा रहे हैं तो दोनों लोग फिर जाते हैं। तो टैक्सी में जो ड्राइवर थे वो थोड़े से बुज़ुर्ग थे, तो मतलब अब बुज़ुर्ग को तो थोड़ा इतना एक्सपीरियंस या जीवन का अनुभव होता है, तो उनके भी मतलब वाइफ से झगड़ा होता होगा। तो और उनका झगड़ा इतना बढ़ गया था कि वो टैक्सी में भी चुप नहीं थे, दोनों एक दूसरे को कुछ बोले जा रहे थे पति पत्नी। तो वो ये सारी बातें सुन रहे थे उनके ड्राइवर जो बुज़ुर्ग थे, तो उन्होंने उनको पहले तो कई बार टोका, लेकिन फिर वो बोले आप रहने दो और आप मुझे जल्दी पहुंचाओ। तो फिर उन्होंने सोच मतलब वो क्योंकि उनके साथ भी ऐसा होता होगा, दोनों मतलब उनके वो उनकी जो वाइफ होंगी वो भी उनसे लड़ती होंगी या वो भी लड़ते होंगे, तो उन्हें सुलह कराने की मतलब लग रहा था कि इन दोनों के बीच में सुलह होनी चाहिए। और हर पति पत्नी में झगड़ा होता है, उनको ऐसा फील हो रहा था। तो उन्होंने ऐसे गाड़ी रोक के साइड में दो गुलाब की स्टिक ली और दोनों को पकड़ाई। तो वो पहले तो तैयार नहीं हो रहे थे कि आप ये सब रहने दो, हम दोनों को कुछ नहीं, बोले नहीं आप पकड़ो कुछ नहीं करना है, बस एक दोनों की मतलब तुम दोनों को एक दूसरे की अपनी अच्छाइयाँ बोल के आपने इनके लिए कुछ किया हो और आपने इनके लिए कुछ किया हो, तो बस वो दोनों चीज़ें बोल के और आपको थैंक यू बोलना है। तो ऐसे थैंक यू बोलते बोलते उन दोनों की कि आपने मेरे लिए ये किया है, थैंक यू आपने मेरे लिए ये किया है, तो उन दोनों में सुलह हो गई और दोनों ही मतलब हंसने लगे और अच्छे से शादी में पहुँचे। तो ये बात सही है, मतलब मैंने उस वीडियो को देखा और मुझे मतलब रियलाइज़ हुआ कि अगर आप सामने वाले की जैसे झगड़ा हो और आप तुरंत उस सामने वाले की अच्छाइयों के बारे में सोचने लगो, तो वो झगड़ा आपको झगड़ा सा नहीं लगेगा, बहुत मामूली सा लगेगा। और मतलब वो रिश्ता कभी टूटता नहीं है जिसमें हम सामने वाले की अच्छाइयों को ज़्यादा देखते हैं बुराइयों को कम देखते हैं, तो वो रिश्ता कभी नहीं टूटता है। वो फिर चाहे रिश्ता कोई भी हो, अगर आप अच्छाइयाँ देखोगे तो रिश्ता कभी आपका ख़राब। और मुझे जैसे अच्छे थॉट और अच्छी इस टाइप की वीडियो बहुत अच्छी लगती हैं, तो मैं जब कभी मुझे टाइम मिलता है तो मैं ऐसी टाइप की वीडियो देखती हूँ। तो ये वाली वीडियो मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैं पहले तो मतलब वो वीडियो कैसे स्टार्ट हो गई, क्योंकि वो थैंक यू पे ही वीडियो थी, तो इन्होंने मुझे थैंक यू बोला तो वो वीडियो मुझे याद आ गई। तो मैंने पहले इनको सुनाई, फिर मेरा मन हुआ कि आप लोगों को भी सुनाती हूँ कि थैंक यू शब्द कितना बड़ा होता है। और हमें तो इस वीडियो को जब मैं देख रही थी तो मुझे एकदम से सीख मुझे क्या मिली कि हम लोग बुराइयों को तो गिनते हैं कि हाँ उसने मेरे साथ ये किया, लेकिन हम कभी काउंटिंग अच्छाइयों का नहीं करते हैं। तो ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है, सबसे बड़ी भूल होती है। तो इस छोटे से ब्लॉग का एंड मैं यही करूँगी, और अगर आपको आज का ये ब्लॉग और आपको आज की ये बात अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलती हूँ आपसे एक न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।